यहाँ खड़ी हुई है, ये इसका बाहर का लुक है भाई, चेक करें पीछे से जो कैमरा हुई है। तो भाई अनबॉक्स करें हम आप अपना जहाज। माशाल्लाह चमक गई है गाड़ी, चेक करें भाई साहब गाड़ी चेक करो। पब्लिक खड़ी होना शुरू हो गई है, प्रेस की गाड़ियां हैं और वहां तक गाड़ियां हैं, हमारी गाड़ी जो है तो ऊपर है क्योंकि मैं फ्यूल भरवाने गया। और अगर वो लाइन मारे फिर क्या करें, वो लाइन मारे तो करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज जो है मास भाई की टी शर्ट से अंदर के जो है आज कुछ कुछ स्पेशल और कुछ नॉटी होने वाले हैं। चुप्पे, हम लोग व्लॉग्स तो बहुत सारे शूट करते हैं इधर उधर जाके, मेजोरिटी हमारे जो व्लॉग्स होते हैं रात के होते हैं, लेकिन आज जो है हम लोग दिन के अंदर हम लोगों ने स्पेशली टाइम निकाला है, क्योंकि दिन में आपको पता है टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कि अभी हम लोग जो है ऑन वे हैं, असल में क्या है मास भाई जरा आप डिटेल में बताओ। यार आज का सीन है ऑटो शो का। अब ऑटो शो का सीन ये है कि भाई कुछ फ्रेंड्स है एकरा के अंदर, एकरा इंडस्ट्री है इसके अंदर कुछ फ्रेंड्स है और उसमें हमारे टीम पावर जो है पावर भी है, तो एक इन्विटेशन दिया, बोला यार आप आओ ड्रिफ्टिंग पे आओ अपनी गाड़ी लाओ। मैंने कहा ठीक है ले आता हूँ। तो साथ साथ मैंने सोचा एक पॉकेट रॉकेट भी लेके चलते हैं। तो पॉकेट रॉकेट ये आप दिखाओ सामने, ये कौन सा वाला पॉकेट रॉकेट है? ये भाई होंडा सिविक है, हमारा जो सबसे पहला व्लॉग था ना जो फार्म हाउस का व्लॉग था, हमने शुरुआत जो है ना इस गाड़ी से की है। धमाके सुना दूं, धमाके वही सुनाएंगे, वही सुनाएंगे क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है वो पता नहीं चलेगा। तो खैर अभी है कि हम लोग ऑन वे है और शायद थोड़ा लेट भी हो चुके हैं क्योंकि बहुत लेट हो गए भाई, वहाँ पे 3 बजे का टाइम था और हमारा ग्रुप जो है ऑलमोस्ट वहाँ पहुंच चुका है, बस हमारा वेट है। और मास भाई ने भी आज हम ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन तो के मेंबर्स को होंगे होंगे, आज जो है हमारे पास टीम पावर भी होगी। टीम पावर बेसिकली एक दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप नहीं है, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन का एक मेंबर है जुनेद पावर, इसका अपना ग्रुप है ये टीम पावर के नाम से। सही, उसका एडमिन होके लेकिन हमारा मेंबर है फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब वो हमारा मेंबर फर्स्ट इंप्रेशन का मेंबर है, मतलब इन दोनों का कोलैब्स है ना, मतलब ये दोनों बेसिकली एक ही है, एक ही है। तो भाई हमारी जो बसंती सामने जा रही है मास भाई, ये कितनी मैली हो रही है, हाथ के हाथी वाली गाड़ी पे करवा लो, ये बहुत मैली हो रही है। तो मैंने आज तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 1.5 साल बाद निकला, बाकी बहुत धमाका हो गया देख लो मारा गया आप अपनी देखो पलट पलट के, नीचे वाले परेशान हो जाएंगे मास भाई। खैर अभी है कि पंप पे जाते हैं यार, सर्विस वर्विस कराते हैं, लेट तो वैसे ही हो गए तो थोड़ा और सही। मीटअप पॉइंट पे लोग नहीं है कि अभी गाड़ियां जो है गैदर हो रही हैं, अभी जो है हमारी वाली बसंती यहाँ खड़ी हुई है, ये इसका बाहर का लुक है भाई, चेक करें पीछे से जो है कैमरा हुई है। और अब हम आपको दिखाते हैं जमीन पे चलने वाला जहाज, ये जुनेद भाई यहाँ खड़े हुए। जुनेद भाई क्या हाल है? तैयारी मस्त है? जुनेद भाई अनबॉक्स करें हम आप अपना जहाज। जो बात है मालूम है, इस गाड़ी की आप क्वालिटीज बताओ। क्या कौन सा इंजन है? 2JZ। 2JZ बेसिकली किस गाड़ी का होता है? वैसे क्राउन वगैरह में आता है और बाकी गाड़ी में आता है। जो बात है भाई, रेवा आपने बिल्कुल गाड़ी के कलर की मैचिंग के जॉगर्स भी किए हुए आज आप। हाँ, आज हमने मैचिंग करी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, जा रहे हैं हम लोग के शो में, हमारी गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई है लाइनअप। सही है, अपनी गाड़ी भी लेके जा रहे हैं था। सही, तो अभी मतलब इकरा में कोई स्पोर्ट्स इवेंट है क्या है? यार आज उनका इवेंट है तो हमें उन्होंने बुलाया है। अच्छा अच्छा, तो हम अपने दोस्त यारों को जितनी भी गाड़ियाँ बनी हुई थी स्पोर्ट्स कार वगैरह, हमें तो जगह चाहिए होती है, हम पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये जो आपकी शर्ट पे लिखा हुआ है टीम पावर 7.com, बेसिकली ये आपका ग्रुप है और आप इसको लीड कर रहे हैं क्या? ये अपना ग्रुप है टीम पावर 07। अच्छा, ये हमारे भाई है, मास हमारा हर यार पल में यार। जो बात है, गाड़ी चेक कर रहे हैं भाई साहब, गाड़ी चेक करो, क्या बात है भाई, बहुत बेहतरीन। जो भी थोड़ा बहुत ट्विन अप करना था गाड़ी को, वो जो इन्होंने करा लिया। इन है कि हमें सर्विस वाला मिल गया, वो भी बड़ी मुश्किलों से मिला है, क्योंकि जो है दिन में जो है बड़ा रश होता है सर्विस का। अभी अपनी बसंती जो है सर्विस हो रही है, और जो अपनी RX 8 है वो जो है अलहमदिल्ला A1 हो चुकी है। चेक करें भाई साहब, ये ऑल्टो है, कैमरा हुई है, जो दरवाजे शरवाजे ऊपर ये भी चमक रही है, बेहतरीन हो जाएगा। तो ये क्या आज भी बहुत मज़ा आने वाला है भाई,
और इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो इकरा वालों हम लोग आ रहे हैं, बस बर्दाश्त करना हमें। क्या बात है भाई साहब, लोग चेक करें गाड़ी का, ओहो क्या बात है भाई माज भाई, क्या बात है, गाड़ी तो वही बंद हो गई माशाल्लाह, जो बात है वो चेक करें भाई साहब गाड़ी का लेवल, पट्टी सब फ्री, हमारी पसंद भी माशाल्लाह ने चमक गई है, ये बंद हो गई है। जो हमारी गाड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं, सर्विस वर्विस होके बेहतरीन हो चुकी है, जोबन बिल्कुल जिसको बोलते हैं, मास भाई आगे जा रहे हैं अपनी पसंदी लेके, हम जो है हर एक सीट के अंदर हैं और अब बस इंतजार है एंट्री का, तो अभी बस इकरा यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं और जो है मेरे ख्याल से बीच में एक मीटअप पॉइंट होगा क्योंकि सबकी एक साथ एंट्री है, तो बस ये कि अभी पहुँचते हैं, लेकिन ये गर्मी बहुत है और गाड़ी का जो ए सी ऑफ हो गया है, मीटअप जो है स्टार्ट हो गया है और मेरे ख्याल से ये जो है नाजमाबाद की तरफ जो रोड आ रहा होता है वहाँ पे ये लोग सब खड़े हुए कलेक्शन चेक करें भाई साहब गाड़ियों का, मेरे ख्याल से होंडा सिविक की जो है अच्छी रेंज है और जो है हर गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, चेक करें भाई साहब, जो बात है भाई जो बात है, मतलब आज फंक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, नहीं दूसरी आर एक सीट आ गई, ये भी मेरे ख्याल से मास भाई अली है जो बाकी है, जो ऑल्टो है आगे मेरे ख्याल से वो भी खड़ी हुई है, आगे और भी बहुत सारा कलेक्शन है यार, लेकिन मैं ज़्यादा वो कर नहीं जा रहा, बाकी ये कि यहाँ पे वाली सिविक भी है जो एक पार्क व्हील के अंदर आपने चेक करी होगी अंसारी वाली, जिसका फायर जो है सबसे बड़ा था, तो ये कि मुझे लग रहा है कि फंक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, ये जो है जुनैद भाई भी जो है यहाँ खड़े हुए, जुनैद भाई मीटअप तो हो गया, आप कब जाएंगे यार, दो चार गाड़ियाँ और रह गई अभी और बाकी है, बाइकर भी आ रहे हैं उनका वेट कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, तो ये कि चलो अभी ये कि यहाँ पे सब खड़े हुए बॉयज सारे और स्टार्लेट यार ये भी अच्छी बनी हुई है, मज़ा आने वाला है भाई बहुत, जो है तकरीबन एक घंटा हो गया हमें और यहाँ पे जो है पब्लिक खड़ी होना शुरू हो गई है ब्रिज के ऊपर, क्योंकि जो यहाँ पे सारे पूरे आगे तक गाड़ियाँ हैं और वहाँ तक गाड़ियाँ हैं, हमारी गाड़ी जो है अभी ऊपर है क्योंकि मैं फ्यूल भरवाने गया था, तो अब ये कि सीन अच्छा लग रहा है, लेकिन बात वही है कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि सीन कैसा है, लेकिन अभी तक तो सीन जो है बहुत आला नजर आ रहा है, जो बात है ये छोटी सी जो है हमने ड्रिफ्ट मारने की यहाँ कोशिश करी थी, आप चेक कर सकते हैं ये हमारी गाड़ी की है भाई, एक अभी जो है जुनैद भाई जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से हम वहाँ बिहेव करना है क्या क्या करना है, तो अभी जो है सारे लोग सारे लड़के जो है गदर हुए हैं, सारे देखो अपने सारे लड़के इंजॉय करने जा रहे हैं ना, तो वहाँ सब इंजॉय करेंगे, किसी का भी कोई पड़ा हो तो मुझे बताना लाजमी, क्योंकि हमारे रेफरेंस से जा रहे हैं ना सारे, वहाँ लड़की से कोई बदतमीजी कोई ना करे, अपने ख्याल से जो है ना इंजॉय करना है सबने, कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, और ये और एक लाइन मारे फिर क्या करें, वो लाइन मारे तो कर लेंगे, आप कितने सही में बदतमीजी करें मुझे आके बता देना, मैं लाइन अपनी भैया भाई ओके हो गया ओके, पहला सीन हो रहा है सारे बॉयज जो है अपनी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, हम जो है अपनी बस्ती में जाएंगे, चलो मास भाई, जो बात भाई जो बात है सब गाड़ियां जो है तबाही मचा रही है, जो है भाई मास भाई की जो है ड्रैगन हम उसके पीछे पीछे, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो है आवाम बहुत है पब्लिक बहुत है और गाड़ी का आपको पता है कि हर कोई जो है जंगली पने में चला रहा होता है, मास भाई की जो है आगे स्टार्ट हो गए भैंस की डाल सारे बात है क्या, ये तो गाड़ियाँ सब डन हो रही है यार, कहाँ जाना है यार इकरा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है उसका तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन ये कि अब हम मास भाई को जो बात है भाई जो बात है भाई आर एक सीट रुक जा थोड़ा, फिर स्टॉप हो गए यहाँ पे, तो बात है भाई हैवी बाइक्स भी है आर एक्स सीट भी है, माज भाई आपके धमाके मेरे मुंह पे लग रहे डायरेक्ट खतरनाक आ रहे हैं, जो बात है माज भाई फंक्शन में लग रहा है बहुत जोबन होने वाले यार, मोहल्ले वाले तो सब आ जाएंगे, तो बात है भाई इन्होंने तो यहीं पर ही जो है फायर स्टार्ट कर दिए, लेवल चेक करें भाई साहब ये भाई चेक कर रहे हैं भाई साहब हैवी बाइक्स हैं सारी, क्या बात है भाई क्या बात है, आगे मेरे ख्याल से सारे डाले क्या बात है, अब ये जो यहाँ के इस इवेंट के जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने हम सबको इनवाइट किया वो हैं जुनैद भाई, जुनैद पावर के नाम से जो इनका पेज है इनका ग्रुप है और यही पूरा ग्रुप जो है हमने हमें जो है इन्होंने इन्वाइट करा है, अभी जो है इनके साथ साथ बिल्कुल जो है मेरी गाड़ी लगी हुई है, असल में इसलिए लगी हुई है कि आर एक्स एट जो है वो सब एक साथ लाइनअप हो रही है ना, भाई साहब रेली तो जो है बहुत ज़बरदस्त चल रही है,
लेकिन बात यह है कि अभी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, क्योंकि गाड़ियाँ जो है बीच बीच में बहुत आ रही हैं, और आपको पता है कि हर कोई एग्रेसिव मोड में जो है ड्राइव कर रहा होता है, गाड़ियाँ जो है चल रही हैं सब जोवन। लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ पे मतलब बहुत ही फिर अंदर जाकर है यार, मैं तो समझ रहा था कि कहीं मेन रोड वोड पे होगी यार, लेकिन ये तो जो है समझ से बाहर है भाई। कितना रास्ता रह गया, काफी अंदर आ गया यार, रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा है। इकरा वालों कहाँ हो, कहाँ घुसे हो जान, बहुत अंदर है भाई, बहुत अंदर है। रोड भी जो है बेड़ा गर्क हुए हैं सारे, और ये जो है शाकार सामने हमारे आने वाला है, वहाँ पे हमें जाना है, और बड़ी काफ़ी देर बाद आया है, और गुस्सा भी बहुत आ रहा है भाई, काफ़ी अंदर है यार ये, समझ आता है कि दूसरा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये आ गया हमारा ये इकरा यूनिवर्सिटी, काफ़ी अंदर है भाई, रोड भी बहुत कच्चा है, अभी अंदर जाके पता चलेगा कि अंदर से कैसी है। इकरा यूनिवर्सिटी की एंट्री के लिए लाइन अप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये रश का माहौल है, रश बहुत है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई कंजेस्टेड जगह होगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैं कभी नहीं आया। एंट्री का टाइम आ चुका है, एंट्री गेट हमारा वो सामने इकरा यूनिवर्सिटी, ये जो है सारी गाड़ियाँ लाइनअप हो रही हैं यहाँ पर, जो है एक साथ जो है सब अंदर जाएंगे, और जो है मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ गया। मैंने जो है माल भाई की सिविक संभाल ली है, क्योंकि माल भाई मारेंगे उसके अंदर डोनट एंट्री के ऊपर। ये जो है अब हम इंटर हो रहे हैं, वहाँ बहुत हो गया है, क्योंकि जो है हर कोई जो है वो मार रहा है फायर, तो मैंने जो है शीशे वीशे बंद कर दिए, क्योंकि मट्टी बहुत उड़ रही है यार। चलो हम भी एक रहे मारते हैं फायर। जो हम एंट्री मार रहे हैं भाई अंदर, क्या बात है,
जो बात है मजा आ गया। तो भाई अभी जो एक यूनिवर्सिटी का चल रहा है और बहुत शोर हो रहा है और कान जो के पर्दे जो है तकरीबन फट चुके हैं क्योंकि यहाँ जो है फायर जो है हर गाड़ी के अंदर लगा हुआ है और हमने जो है अपनी गाड़ी जेन्युइन गाड़ी की है भाई, इसके अंदर कोई फायर किट नहीं है लेकिन मान लो कि उस गाड़ी के अंदर जो है फायर किट और सब लगी हुई है वो अभी हम लोग करेंगे स्टार्ट। लेकिन जो बात है भाई मज़ा आ गया। अच्छा भाई का हमारे साथ बैठे गाड़ियाँ लाइनअप करते हैं नो डाउट जुड़े भाई बहुत ज्यादा फंक्शन है बहुत और यहाँ पे अभी जो है स्पेस बना रहे सब क्योंकि अभी जो है रश जरा ज्यादा है लेकिन ये पब्लिक को भी थोड़ा पीछे कर रहा है अभी जो है राउंड हम चेक कर रहे हैं
इसके पीछे डाल दे अंदर यार। दूसरी गाड़ी लग गई। अबे भाई इसको आती है। टाइम हो गया है बाहर का। यात्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है डिनर है हमारे ग्रुप को, सभी जो है खाना अल्लाह हाफिज कहने का टाइम आ गया एकरा यूनिवर्सिटी को। और अभी जो है माज भाई चलो सही रहे मतलब जो है निकलते अब जो है बस निकलते हैं यार, बहुत लेट हो गया। तो बात है यार ओवरऑल ये कि मज़ा बहुत आया करा यूनिवर्सिटी के अंदर। और यार बस ये कि पटाखे जो फायर किटे जो लगी हुई होती है ना गाड़ी के अंदर वो जो है ना बेड़ा गर्क कर देती है यार। सर दर्द हो गया मतलब इतने धमाके यार। बाकी ये कि ओवरऑल बहुत अच्छा था। अब बस ये कि हम निकल रहे हैं, ये करा यूनिवर्सिटी की लॉबी है और बस बाहर जाने का रास्ता। तो भाई अब ये कि इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। ओवरऑल ये कि बस इंजॉय करा और यही जिंदगी का मजा है भाई। बंदे को ये जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, गैदरिंग मिलती हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं और सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये कि थक गया आज यार, थकन बहुत हो गई है, नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। अब बस अब घर जाएंगे और सोएंगे। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं भाई। उम्मीद है पसंद आया होगा भाई। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करते रहो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।